अगर आज हमारी कार्रवाई दोपहर तक 1 बजे तक नहीं हुई, हमारे साथ पूरा हरियाणा नहीं, पूरा इंडिया हमारे ऊपर है, सिर पे ऊपर है। सुन लो, हमने बाजार भी बंद करना पड़ेगा, हमने बाजार भी बंद करना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन मामला, नरवाना में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद 24 वर्षीय युवक मोहित की मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार 2 दिनों से यहाँ पर धरना चला हुआ है। परिवार के जो लोग हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं। मोहित के पिता है नरेश जी, उनसे बातचीत करें। हाँ जी सर, सबसे पहले आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि हमें इनके तीनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी FIR की कॉपी हमें मिले, हमारे लड़के का बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जाए, उसकी हमें रिपोर्ट मिले, और हमारे जो माँ और मांगे हैं कि हमें बेरोजगार आदमी हैं, हमारे को इसके उचित मुआवजा दिया जाए इसके, और हमारे को एक बच्चे परिवार को एक नौकरी दी जाए इससे, ताकि मैं आगे भविष्य में मेरी मंदबुद्धि बच्चे को और उसकी माता जी को उसका पेट पाल सकूँ। मेरे पास और कोई रोज़गार नहीं है, मेरी भी यही सरकार से मेरी मांग है। प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर आया आपकी मांग? प्रशासन का अधिकारी आया, प्रशासन का अधिकारी कल भी आया, आज नहीं आए। कल उन्होंने कहा कि हम आपको 4 बजे FIR की कॉपी दे देंगे, लेकिन उन्होंने हमारे से कोई कॉपी नहीं दी 4 बजे। लेकिन वो कहने लगे कि हम आपको FIR की कॉपी देंगे, उन्होंने DDR की कॉपी दे गए हमारे को, एक लॉलीपॉप के तहत हमें आगे भेज दिया। लेकिन SHO ये कहता है कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी, हमारा दुख तुम्हारा दुख एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सब डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि हम गरीब हैं, गरीब की वजह से कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई मान ले राजनीतिक आदमी है, किसी का फ़ोन आता है, ये 1 सेकंड में सारा हाल निकल जाता है। लेकिन आज मेरे बच्चे को 2 दिन हो गए शवगृह में पड़े हुए, लेकिन आज 3 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक कीड़े पड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक फूट जाएगा, तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, इसका जिम्मेवार नरवाना का डॉक्टर SMO साहब होंगे, इसका जिला प्रशासन होगा। इसके बारे में आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि मेरा दिमाग ज़्यादा पजल है। हालात अभी तो कोई अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी आपका समस्या समाधान नहीं, तो आगे क्या किया जाएगा? अगर हमारा समस्या का समाधान होता, हम आगे का जो भी कार्रवाई हम कार्रवाई करेंगे। तो जैसे आपने कल रोड जाम किया, तो उस टीम के आश्वासन उस SDM साहब ने कहा कि हम आपकी बात को मानते हैं, हमारी बात पे विश्वास रखो, आप हमारे साथ मिलके चलो, आपका दुख हमारा दुख है, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके मतलब साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुकर गई बस, दोबारा वो हमारे पास नहीं आए, नहीं आए। आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं नरवाना के नागरिक हॉस्पिटल से, जहां पर परिजनों द्वारा धरना लगाया गया है। और आपको बता दें कि इनकी मांग है कि जो परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए, और डॉक्टरों पर जो FIR दर्ज है वो भी इनकी प्रमुख मांग है। हमने बताऊं बाप में रोड भी जाम करेंगे, हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तो मैंने लोगों ने मेरे को विश्वास दे रखा है कि तुम ठीक ठाक रहो, मैं ठीक ठाक नहीं हूँ। मैं वैसे मेरे शरीर की मूर्ति खड़ी है। मेरी मौत के जिम्मेदार डॉक्टर नरवाना का SMO डॉक्टर पिंगलिस जो मौके पर ड्यूटी पर तैनात है, और नरवाना का पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, जो कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये कल जो बात इन्होंने मेरे आगे कही कि हम आपकी कार्रवाई के ऊपर जो को आप कहोगे वैसे ही होगा, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ हरियाणा सरकार से और आपसे और नरवाना के प्रशासन से कि इस बात के ऊपर कार्रवाई करे, जल्द से जल्द मेरे को न्याय मिले। अगर मैं दोषी हूँ मेरे को सजा मिले, और इनको दोषी है तो इनको सजा मिले। लेकिन कोई बात गलत नहीं है, ना को तकिया छुपाया गया है और ना ही छुपाऊंगा, ये तो सबको पता है, सबको पता लग गया है। लेकिन ये इस बात को मान नहीं रहे कोई भी, पुलिस प्रशासन नहीं मान रहा, डॉक्टर नहीं मान रहे। अरे मैडम कहती है कि हमारे को माफ कर दो, अरे जुल्म की बात है, अरे तुम एक बच्चा पैदा करती हो, 24 साल का जिसका बच्चा चला जाए उसको कैसे माफ कर दे? अरे 10-15 हजार रुपए की नौकरी के चक्कर में बच्चे की जान चली गई। अरे एक मैडम रात को ड्यूटी पे बैठी है, अंदर कमरे में हीटर चलता है, हीटर के पास बैठी है, हम जाते हैं बात भी नहीं करती है, कहती है कि कोई बात नहीं कल को सुबह आ जाना, ये हॉस्पिटल के काम है, देखो बताऊ बाद में। ऐसे कैसे काम चलेगा इसका? तुम हम अपने आप सुधरना पड़ेगा, लेकिन समय है सुधरने का। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले, बस। मैं और ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मेरा दिमाग में पजल है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।
मेरे को न्याय मिलना चाहिए, FIR की कॉपी मिलनी चाहिए। अरे मेरे बच्चे के 2 साल पहले मोहित कुमार की शादी हुई थी, अरे उसने तो अभी तक किस चीज का बच्चा देखा नहीं, कोई अबे सुख देखा नहीं शरीर का, अरे सब कुछ नहीं उसको देखा, सब कुछ छोड़ के चला गया मेरा बच्चा मेरे हाथों से, उसको क्या पता था अभी जिंदगी में ऐसी चीज होती है। जो मैं बोलूंगा, मैं लड़के का पिताजी हूँ, मेरे साथ जो बीती है, मेरे में जो अंदर दर्द है, शायद मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में सभी को इस बात का दर्द है, सबकी आंखों में पानी है। मेरा 24 साल का लड़का अचानक मेरे हाथों से चला गया, उसके बड़े बड़े ख्वाब थे। डॉक्टर SMO साहब कहते हैं कि मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ, रिजाइन तो देने की क्या जरूरत है डॉक्टर SMO साहब, तो मैं कहाँ जाओगे रिजाइन देकर, जब मेरा लड़का 24 साल का गुजर गया, जब आपने नहीं देखा, जब तीनों डॉक्टरों की यहाँ पर ड्यूटी थी उस टाइम आपने से पूछा आप कहाँ थे, जब मैंने पूछा कि दवाई के लिए कोई पर्ची बनाकर दे दो, तो इन्होंने क्यों नहीं दी मेरे को पर्ची बनाकर, मैंने कहा कि हॉस्पिटल में आप मेरे लड़के का इलाज कर दो, इन्होंने कहा कि आप सुबह लड़के को लेके आ जाना, आपका लड़के का सवेरे इलाज करेंगे, आपके लड़के का टेस्ट करेंगे। मैं बार बार पुलिस प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करती, कल हमने रोड भी जाम किया, SDM साहब ने हमारे को आश्वासन दिया, हम सरकार से एक बात कहना चाहते हैं, कट्टर सरकार तो सुन ले कान खोल कर, ये जनता है, जनता आपको सुधारना भी जानती है, जनता आपको ऊपर भी गिराना जानती है, जनता आपको नीचे भी गिराना जानती है, आप किस देश के मालिक प्रदेश के मालिक नहीं हो। आपने पता है साथियों, 3 तारीख से मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया 13 साल से 18 साल के बच्चे के डोज लगेगी, अरे बच्चे के कैसे डोज लगाओगे, जब ये 24 साल के बच्चे का डोज सहन नहीं कर सका तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे लगते फिरेंगे, ऐसे ऐसे बच्चों को तो ये हम डेरों पर आगे लाशें बिछा देंगे हमारे प्रदेश और देश के अंदर। सुधर जाओ साथियों, सुधरने का वक्त है, किसी को डोज लगवाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अगर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी आपको पढ़ने से मिलेगी, आपके आधार पर मिलेगी, वैक्सीन से कोई नौकरी नहीं मिलेगी।